वेलकम फ्रेंड्स, ट्रिकी मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। आप सभी की उम्मीदों के अनुसार आज आपकी क्लास होगी एज रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आयु पर आधारित सवाल। ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा, आप अपनी परीक्षा में 100% करेंगे ये पूरी उम्मीद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है कि 20 वर्ष पहले, इसको पढ़ने के पहले मैं बता दूं सवाल किस टाइप का होगा, जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में आए। इस तरह के सवाल ऐसे आते हैं कि जिनमें दो व्यक्तियों की आयु के बारे में कुछ अनुपात दिया होता है, कि दो व्यक्तियों की आयु में कुछ अनुपात दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि उनका जो अनुपात था कुछ साल पहले कुछ और था, तो ये बताइए फिर कुछ साल बाद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में जरूर। देखिए, 20 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, मतलब 20 वर्ष पहले ए की आयु जो है वो बी की आयु की क्या थी, हाफ सी, मतलब आधी थी। यदि वर्तमान में उनका आयु का जो अनुपात है वो 5-6 है, तो 20 वर्ष बाद उनका आयु का योग क्या होगा। इस तरह के सवाल में आप ये ट्रिक लगाएंगे, xp अपान yp प्लस n जोड़ देंगे इक्वल a अपान b। क्लियर, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा आंसर आएगा। हो गया कमेंट, फिर हम हल करते हैं। देखिए, जहां पे xp मतलब ये अनुपात जो आयु वाला है, यानी xp मतलब 5p और प्लस n का मतलब 20 वर्ष, और ये yp मतलब 6p और प्लस ये 20, अनुपात कितना था, 5-6 था, इसका मतलब 5 अपान 6। हो गया क्लियर, हल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30p और प्लस ये 6 2 12 120 इक्वल ये 5 6 30p और ये हो जाएगा 5 2 10 मतलब 100। इधर आएगा, इसको घटाएंगे जब, तो 30 से 30, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गौर करिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी कुछ गड़बड़ है, कैसे, देखिए यहाँ कह रहा है कि 20 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी ना, तो यानी कि इनके आयु में जो अनुपात था 1-2 था, है ना, तभी तो आधी थी, मतलब 20 वर्ष पहले जो आयु थी वो एक दूसरे की क्या थी, आधी थी, यानी कि 1-2 का अनुपात रहा होगा ना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये यहाँ पे आप 1p और यहाँ पे 2p रखेंगे, अब सही हुआ, ठीक ना, बाकी उधर 5-6 रहेगा वो सही है। बस हल कर लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा 6p प्लस ये 6 2 12 120, ये हो जाएगा 5 2 10p और प्लस 5 2 10, ये 100 हो गया। क्लियर, इधर आएगा, इसको घटाएंगे तो 6p - 10p इक्वल 100 - 120, यहाँ पे आपका आएगा माइनस में 4p, उधर भी माइनस आएगा तो आप प्लस लिख सकते हैं, यानी कि 4p बराबर आएगा 20 और p बराबर कुल मिला के कितना हो जाएगा, 5, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, p की वैल्यू कितना आई, 5 आई। अब कह रहा 20 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो अनुपात जो है वो 5p और 6p में है ना, कितने वर्ष की बात बोल रहा है, 20 वर्ष बाद, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, फट से उसमें 2 से गुणा करके और जोड़ दीजिए फटाफट, 2 लोग का बोल रहा है तो 2 जोड़ करके 20 से गुणा कर दीजिए, 5 रख दीजिए जो मान दिया है, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा 6 5 11 पी का मान 5 रखेंगे, 11 5 कितना हो जाएगा, 55 कर लीजिए, हो जाएगा वैसे भी, तो ये हो जाएगा 11 और गुणा 11 क्यों लिखा, 6 5 11 और p की जगह पे 5 रख दिया, है ना, 11p होता तो ये प्लस हो गया 40, जोड़ देंगे 11 5 55 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 95 वर्ष। समझ में आया, यानी कि जो आयु का योग था कितना था, 95 वर्ष। इसको आप कैलकुलेशन तेज है तो फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप नहीं करेंगे फास्ट तो फिर टाइम लग जाएगा, है ना, 4 मिनट के अंदर आपने सवाल कर लिया। नीचे नहीं दिख रहा, मैं उसको दिखा देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना, ठीक है, जो नहीं दिख रहा आपको दिखेगा, बिल्कुल हैरान ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके फिर आगे चलते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, गौर करिएगा, ये सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पहले रामू की आयु सोनू की आयु की आधी थी, 10 वर्ष पहले, देखिए बिल्कुल वैसे सवाल है, इसको आप खुद करेंगे हम नहीं बताएंगे। इसमें जहां पर ए बी था उसमें रामू और सोनू हो गया है बस, और उसमें 20 वर्ष था इसमें क्या हो गया, 10 वर्ष, अनुपात 5-6 था उसमें, इसमें 7-6 हो गया है, मान इसी में रखना है
हल करके आप लोग बताएंगे इसका उत्तर कितना आएगा। जल्दी से कमेंट करें, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत जल्दी करें, आपके लाइव कमेंट का जवाब अभी नहीं दिया जा रहा है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो सभी जवाब मिलेंगे, इसलिए आप लोग बाद में कमेंट करिएगा जब क्लास खत्म हो जाए तब, जिससे कि आपको सभी जवाब मिले कमेंट के द्वारा। एक और ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है, गौर से देखिएगा, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। इसमें तीन व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया होता है और उसमें से किसी एक व्यक्ति का आयु निकालना होता है कुछ निश्चित वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहले सुनील रमन तथा गोलू के आयु का वर्तमान जो है योग था, वर्तमान आयु का योग वो 80 वर्ष था। फिर पहले उनकी का आयु का जो योग का अनुपात था वो 1:2:4 था। तो आगे देखिएगा सवाल को, फिर पढ़िए, इसमें एक टाइम भी दिया गया है, 8 वर्ष पहले। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां एक टाइम दिया होगा, ये 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो था 1:2:4 था, तो रमन की आयु निकालना है। इसमें आप ये ट्रिक लगाएंगे जो दिया गया, ध्यान दीजिएगा, x प्लस एन अनुपाते y प्लस एन अनुपाते z प्लस एन, इस पे रख देंगे, मान आपका आ जाएगा। ये उस तरह के सवालों में होता है जहां तीन व्यक्तियों के नाम दिए गए हो, उनमें कुछ वर्ष पहले किसी एक की आयु का अनुपात दिया हो, तो उसमें से आप किसी एक की आयु निकाल सकते हैं, मतलब सभी का अनुपात दिया है तो रख दीजिए, ये x का मान हो जाएगा, वाई का या जेड का। तो ये हो गया 1p धन n मतलब 8 जो दिया है, y का मतलब 2p, n का मतलब वही 8, और ये हो गया 4p और प्लस 8, हो गया क्लियर। अब इसे आप जोड़ घटा लीजिए, इसी में आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी करें फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी करिए, देखिए कैसे होगा, ये जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में बात कही गई है, वो क्या है, कह रहा है इनकी आयु का जो योग था वो 80 था, इसका सबका आप जोड़ दीजिए, ये टोटल 80 के बराबर है, 1p प्लस 8 और ये धन 2p प्लस 8 और ये धन 4p धन 8 इक्वल कितना है 80, क्योंकि यहां ऊपर दिया गया है। अब जोड़ दीजिए, 2p में 1p 3p हो गया और 4 ये कितना हो गया 7p, 8 में जोड़ेंगे 8 ये 8 3 24 इक्वल कितना हो गया 80, तो ये हो जाएगा 7p बराबर 80 माइनस 24। जब इसमें 24 घटाएंगे कितना आएगा, लगभग में 56 आएगा, है ना, 56 4 60 20 80, तो ये p बराबर हो जाएगा 56/7, 7 8 56, यानी कि p की वैल्यू जो है कितना आई 8, p की वैल्यू कितना आई 8। तो भाई अगर p की वैल्यू 8 आई तो 2p प्लस 8 का मान निकाल लीजिए ना, 2p प्लस 8 किसकी आयु थी, देखिए सुनील रमन और गोलू तीन लोग थे, ये सुनील की थी, ये रमन की थी, ये गोलू की थी, तो हमने रमन का निकाल लिया, यहाँ पर पी का मान रख देंगे, 8 आया हुआ है, तो 2 × 8 और धन 8, 2 × 16 16 8 24 वर्ष। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी की भी आयु निकालना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गई किसकी, रमन की आयु, अगर सुनील के बोलेगा तो सुनील की आयु मतलब इसका मान निकालेंगे, अगर गोलू की आयु बोलेगा तो इसका मान निकालेंगे। चलिए सुनील की आयु निकालते हैं, ये यही तो है ना, पी का मान 8 रख दो, ये हो जाएगा 8 × 8, ये हो गया 16 वर्ष। अगर गोलू की आयु निकालेंगे तो 4p + 8, 8 का मान इसको रखिए, पी का मान 8, 4 × 8 32, 32 और ये 8, ये हो गया 40। सभी को जोड़िए, 40 20 60 4 64 64 6 70 और 1 80 हो रहा है ना टोटल, इसका मतलब माई आंसर इज राइट। बट इसको आपको नहीं करना है, किसको नहीं करना है, ये नीचे वाला नहीं करना, ऊपर वाला करना है, जितना मैंने घेरा इसको नहीं करना, इसको मैंने एक्स्ट्रा बताया है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं कि आप सारे ट्रिक समझ चुके होंगे, तो फिर चलिए हम आगे बढ़े। हो गया, इसी ट्रिक पर आधारित इस सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सवाल है जैसे अभी आपने देखा। कह रहा है यदि प्रिया पूजा तथा लक्ष्मी के वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है 80 वर्ष है, बिल्कुल वैसे ही है। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो था वो अनुपात कितना था, 4:1:5 में था, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी आपको बताना है। ट्रिक आप यही लगाएंगे जो लगी थी, ठीक है ना, रख दीजिए मान, हो गया आपका आंसर। 10 वर्ष रखेंगे जहां पर अभी इसमें 8 रख रहे थे, ठीक ना, और अनुपात जो है 4:1:5 रखेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, राइट आंसर तुरंत फटाफट, सभी लोग कमेंट करें, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं,
जल्दी करें फटाफट, बिल्कुल देर नहीं करना है। हो गए आपके आंसर? अगर हो गए तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इस तरह से आपने कई महत्वपूर्ण ट्रिक देख लिया। अब हम आगे बात करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मैथ आसान है चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत कर लें और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन चेक करें। जो लोग डिस्क्रिप्शन देखना नहीं जानते हैं वो लोग 97 93 48 84 48 पर संपर्क करेंगे, ठीक है ना। ये लाइव खत्म हो जाएगी तो कमेंट करिएगा, सभी जवाब मिलेंगे। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ फाइल और अन्य सभी सुविधाओं के लिए विजिट करें pbrstudy.com। आपकी सेवा में 24 घंटे सातों दिन तक पर। इन्हीं उम्मीदों के साथ इस क्लास को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। मैं राजकुमार दुबंसी फिर से अगली क्लास में आपके साथ रात्रि 9:30 बजे से, यानी कि अभी ये 1.5 घंटा बाद फिर से। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करें और अगली क्लास को देखते रहें। चैनल पर 2000 से अधिक क्लास हो चुकी है। मैथ बहुत आसान है, याद रखें, ठीक ना। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वही जो आप लोग जानते हैं, तिरंगा न झुकने पाए चाहे जान भले ही जाए।